नमस्कार मित्रों, पिछले दो तीन कक्षाओं में मैंने आपको भाषा में शब्द उत्पादन कैसे होता है, शब्दों की नए नए शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसको आपको उदाहरण सहित समझाने की पूरी कोशिश की है। मित्रों, जहाँ तक आपके इस लघु परियोजना पाठ्यक्रम का संबंध है, आपको असल में ये थोड़ा प्रशिक्षण लेना होगा कि भाषा अभियंत्रिकी के अंतर्गत कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत आप अपना परियोजना को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें दो चार बातें जो मूलतः हैं जो आपको ध्यान में लेनी होंगी, वो ये हैं कि भाषा के भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ध्वनियाँ भाषा की, उनके भी एक स्ट्रक्चर होता है। फिर शब्द पर आती हैं, ध्वनियों से हम शब्द बनाते हैं, उनका भी अपना ही एक शब्द संरचना होती है। जब हम शब्दों से पदों की ओर चलते हैं तो हमें लगता है कि पद भी हम एक संरचना के अंतर्गत ही बनाते हैं और उन्हीं पदों से हम वाक्य निर्माण भी करते हैं जो आवश्यक होता है हमारे विन्यासमिक अध्ययन के लिए। मित्रों, भाषा के जो अभियंत्रिकी क्षेत्र हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि हम कंप्यूटर के द्वारा इसमें भाषा की इन भिन्न भिन्न संरचनाओं के किसी भी एक क्षेत्र में काम करें। जैसे अगर आप ध्वनियों की बात करेंगे तो ध्वनियों की संरचना, ध्वनियों की पहचान, यहाँ तक कि एक भाषिक पहचान, वो हम बना सकते हैं। ऐसे कोई उपकरण हम निर्मित कर सकते हैं अपने केंद्र में जिनके द्वारा ये उपकरण काम करेंगे और भाषा की समझ को सरल बनाएंगे। इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पिछले दो चार कक्षाओं में ये बात जोर देकर समझाने की चेष्टा की है, प्रयास किया है कि आप लोग ये अच्छे से समझें कि भाषा के अभियंत्रिकी क्षेत्र में यद्यपि आप शब्दों का, शब्द निर्माण का थोड़ा सा भी संज्ञान लें तो आपको उनमें शब्द संरचना पर भी आप कार्य कर सकते हैं। मित्रों, नई शिक्षा नीति के अनुसार हमें हिंदी के साथ साथ अतिरिक्त भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन करना होगा।
हम उन भाषाओं के लिए यद्यपि कुछ कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन हिंदी के साथ करके यदि पे हम कोई उपकरण निर्मित करते हैं, जैसे आप यदि जो आपकी मातृभाषा मराठी है उसके किसी भी भाषिक पहलू को लेकर आप कार्य कर सकते हैं, हिंदी के वाक्य संरचना को मराठी के वाक्य संरचना से तुलनात्मक अध्ययन कर उसका संगणकीयकरण, यानी हम कंप्यूटर द्वारा वो कार्य करवा सकते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त हम पद वाक्य इन क्षेत्रों पर भी कुछ कार्य अवश्य ही कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके पिछले जिसमें हर्षलता मैडम भी उस क्लास में आई थी, मैंने आपसे कहा था एक सिंपल सा, एक बहुत ही साधारण सा डिफरेंस है। जैसे ये शहर जहाँ हमारा विश्वविद्यालय स्थापित है, जहाँ के आप रहने वाले हैं, उस शहर का नाम वर्धा है, मगर इसी वर्धा को मैंने मराठी में कई प्रकार से वर्धे बनते देखा है। वर्धेचा समाचार, वर्धेला। तो मित्रों, ये वर्धा के साथ ए आ की जगह ए लगना इस बात का संकेत है कि इसके आगे इसका कोई न कोई और व्याकरणिक घट दिखाई देने लगने वाला है, या कोई और घट लगने वाला, जुड़ने वाला है। इस प्रकार से मित्रों, हमने अभी अभी कुछ प्रयास किया है कि आप लोगों को किसी प्रकार से भी यहाँ लैब का में आकर काम करने का अनुमोदन मिले। हमने प्रशासन को इस बात में ज्ञात करवाया है कि आप लोगों को प्रशिक्षण के लिए लैब में सप्ताह में एक दिन या ज़रूरत पड़े तो दो दिन आने का आपको परमिशन मिलता रहे। तो इसी प्रकार मित्रों, यद्यपि आपको कोई भी, मैंने पिछली बार भी कहा है, फिर दोहरा रहा हूँ, यद्यपि कोई भी कठिनाई आपको आती हो, आप अपने अध्यापकों से किसी भी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, क्लास के माध्यम से आप उनसे बात कर सकते हैं और अपने संदेह साफ कर सकते हैं। हम आपके लिए हैं, आपको हमारी तरफ से सदैव जो आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, हमें आशा है कि आप ये लघु परियोजना अच्छी भली भांति पूर्ण करेंगे और इसमें आप कुछ कार्य भी करेंगे। नमस्कार।